खैरियत इतनी देर लगा दी? माही की तबीयत कुछ बोझल हो रही थी इसलिए। क्या हुआ से? इतनी लंबी बीमारी के बाद उठी है, चलने फिरने में थकावट हो जाती है। खैर आप बताइए, आपने क्यों बुलाया? दरअसल बाबा सही कह रहे थे कि यहाँ वाली हवेली की रेनोवेशन करवा दी है, तो तुम और माही जाकर देख लो, अगर कोई तब्दीलियां करवानी हैं तो मैं नूरे को भेज के करवा देता हूँ। कब तक रुकेंगे इस एनेक्सी में? रखले चले जाना चाहिए। मैं कल ही जाकर अच्छी तरह देखकर तसल्ली कर लूंगी। सब खैरियत जी? लग क्यों नहीं रहे? पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तो वो ट्रेन के नीचे आकर मर गया था, तो फिर दरबार पर मुजावर कौन है? हो सकता है तुम्हारे ड्राइवर से उसकी शक्ल मिलती जुलती है। बाबा सिंह, एक लम्हे के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन उसको गौर से देखने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया कि यह फरहाद ही है। चलो बेटे, मान लिया कि तुम्हारी आंखों ने धोखा नहीं खाया। और वो मुजावर वही लड़का है जो तुम्हारा ड्राइवर था? हो सकता है कि वो बच गया हो और उसका इस दुनिया से दिल जो है वो भर गया हो और वो मलंग बन गया। इस तरह के कितने लोग हमारी जागीर में घूमते फिरते रहते हैं हर वक्त, इसमें हैरानगी की क्या बात है? बस इसी बात ने मुझे उलझा रखा है। अगर वो बच गया था तो फिर वापस अपने घर क्यों नहीं गया? इस तरह अचानक से रूपोश क्यों हो गया? हमसे मिला क्यों नहीं? और फिर इसी शहर में फकीर बन के क्यों बैठा है? बेटा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बाबा सही, ऐसा कुछ जरूर है जिससे हम बेखबर हैं। मैं पहले खुद पता चला लूं फिर आपको बताता हूं। मैं सोच रहा था कि मैं खुद मजार पर जाऊं। नहीं बेटा, तुमको खुद मजार पर नहीं जाना चाहिए। नूरे को बुलाओ, सुबह आ जाएगा, उसको भेजो, वो पता करे। और अगर वो वाकई वो लड़का है तो फिर तो खुशी की बात है। सेठ निसार को भी इत्तला देनी होगी, उनका कर्ज है हम पर, वो कर्ज भी उतर जाएगा और ख़ास तौर पर उस बच्चे के बूढ़े माँ बाप, उनको सुकून आ जाएगा अपने बेटे की खबर सुनकर। ठीक है बाबा सही, मैं नूरे को बुलाता हूँ, उसकी ड्यूटी लगाता हूँ कि इस मामले की तह तक पहुँचे।